हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मोस्ट वेलकम इन मोस्ट वांटेड सीरीज 2.0। चलिए स्टूडेंट्स, कैसा जा रहा है आप लोगों का? बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है और आज हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। सॉरी कि आप लोगों के शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज आया, क्योंकि सेल चैप्टर जो है मैंने पार्ट वन एंड पार्ट टू में लिया, बट अब इसके बाद में जब भी चेंज होगा मैं पहले से आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगी। चलिए सेल साइकिल स्टार्ट करते हैं। और साइकिल शब्द जैसे ही आता है समझ जाइए कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कंटिन्यू प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में क्या है, होते जा रहे हैं। सेल साइकिल जो है वो किसे बोल रहे हैं? हम ऐसे ही इवेंट्स की सीक्वेंस को बोल रहे हैं, ठीक है। तो सेल साइकिल सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, वो अपने जेनेटिक मटीरियल जो है उसको क्या करती है, डुप्लीकेट करती है। रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए जो है वो होता है, और उसी के साथ में सेल डिविजन होता है। सेल जो है वो डिवाइड करती है और दो, हम ये बोल सकते हैं दो या फिर चार जो है वो डॉटर सेल्स जो है वो फॉर्म होती है। किस तरह का डिविजन है उस बेसिस के आधार पर, अगर माइटोटिक डिविजन है तो क्या होगा रिजल्ट, टू डॉटर सेल्स होंगी या फिर फोर, टू डॉटर सेल्स होगी। एंड मियोटिक डिवीजन है तो कितनी डॉटर सेल्स होंगी, फोर जो है डॉटर सेल्स फॉर्म होगी। ओके, तो सेल साइकिल इन्हीं कंटिन्यूअस जो इवेंट्स हो रहे हैं इन सभी की सीक्वेंस जो है पूरी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल साइकिल बोल रहे हैं। यानी कि सेल डिवीजन इज ए पार्ट ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो देखिए, सेल साइकिल जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जेनेटिकली क्या होता है, कंट्रोल्ड प्रोसेस है। सेल साइकिल जो है इसके अंदर कई फेजेस आती हैं, ठीक है। अब इन फेजेस की सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी फेज किससे पहले है और किसके बाद में है, तो उसको हमने देखिए चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। सेल साइकिल जो है इसकी दो मेजर फेजेस हैं, कौन कौन सी है भाई, एक है इंटरफेज और दूसरी है एम फेज। एम फेज को हम माइटोटिक फेज बोल रहे हैं, डोंट कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये माइटोटिक फेज है, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन, सेम वर्ड्स वो आ जाते हैं ना तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। माइटोसिस जो है, जो शब्द आता है वहीं से वो माइटोटिक रिलेट करते हैं, तो आप थोड़ा सा ना ध्यान रखना अपने दिमाग में। एम फेज जो है इसको हम बोल रहे हैं माइटोटिक फेज, और वो माइटोसिस है जो डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन जो होता है उसको माइटोसिस बोल रहे हैं हम। तो इंटरफेज एंड एम फेज दो फेजेस हैं। इंटरफेज जो है अगर हम बात करें सेल साइकिल की दोनों फेजेस में, तो ये फेज जो है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है, क्लियर रखिए अपने माइंड के अंदर, बड़ी ठीक है ना, ज्यादा लंबा हम ये बोल सकते हैं, ड्यूरेशन ज्यादा जो है किसका होता है, इंटरफेज का होता है, जबकि सेल डिवीजन जो हो रहा है, डिवीजन जो एम फेज है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन की फेज होती है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान रखिए, एनसीईआरटी में भी क्लियर कट मेंशन है। इंटरफेज के बारे में अगर बात करेंगे तो इंटरफेज खुद जो है वो तीन फेजेस में बटी होती है, G1, S फेज एंड G2, ठीक है। इनके अंदर क्या काम हो रहा है, ये किस तरह का फंक्शन कर रही है, इनके नाम से आप याद रख सकते हो कैसे। G1 जो है वो किसके लिए है, गैप वन के लिए, यानी कि गैप वन जो है ये किसके बीच का हो गया, हम ये बोल रहे हैं कि हम कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी रेस में दौड़ रहे होते हैं और एक छोटा सा बीच में हम क्या कर सकते हैं, सांस फूल जाती है, हम क्या करते हैं बीच के अंदर हम गैप ले लेते हैं एक, जिसमें हम क्या करते हैं अपने आप को फिर से तैयार करते हैं दौड़ने के लिए। फिर हम क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, तो फिर हम बीच में क्या कर लेते हैं, एक गैप ले लेते हैं, रुक जाते हैं, फिर हम अपनी क्या करती है, हम सांस को हमारी वो क्या है, बैलेंस करते हैं जो बहुत तेज हो गई है, फिर उसके बाद में दौड़ने लगते हैं। तो सेम वही कंडीशन है, यानी कि ये वो फेजेस है G1 एंड G2 जिसमें ये अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर एनी एक्टिविटी, जो भी कोई भी काम होने वाला है नेक्स्ट इवेंट के अंदर उसके लिए प्रिपेयर करती है। वो क्या काम है वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो G1 जो है वो है गैप 1, G2 जो है वो है गैप 2, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज, और जबकि ये है प्री माइटोटिक फेज। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना, जैसे ही पोस्ट पहले आ रहा है और प्री बाद में आ रहा है। इसको पोस्ट माइटोटिक क्यों बोला है, क्योंकि जब ये कंटिन्यूअस सीक्वेंस में जब ये इवेंट्स होते हैं तो जैसे ही सेल डिवीजन कंप्लीट होता है उसके बाद में जो इवेंट आता है वो कौन सा इवेंट है, वो है गैप वन, G1 फेज आती है। इस वजह से इसको पोस्ट माइटोटिक बोला है, जबकि G2 को प्री माइटोटिक क्यों बोला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फेज के अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द सेल डिवीजन, याद रखिए, इसीलिए, क्योंकि वो माइटोटिक डिवीजन से पहले आ रही है उसको हमने क्या बोला है, प्री माइटोटिक बोला है, है ना। हम ये यहां से इसको हम लोग बोल रहे हैं ना कि ये उससे स्टार्ट हो रहा है, डिवीजन से पहले यहां पे वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, तो ये प्री माइटोटिक है और ये पोस्ट माइटोटिक है, क्लियर।
एस वर्ड आया फ्रॉम द सिंथेसिस, और सिंथेसिस का मतलब हो गया यहां पे कुछ ना कुछ सिंथेसिस हो रहा है, कुछ नई चीज बन रही है, कुछ मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे, इसकी वजह से इसको हमने क्या बोला है, सिंथेसिस बोला है। चलिए ठीक है, अभी आप बोलोगे कि सिंथेसिस तो फिर किसी भी चीज का हो सकता है, प्रोटीन है या फिर ऑर्गेनेल्स है, उनका डुप्लीकेशन वगैरह ये भी सब चीजें हो रही है, या फिर हम बोल सकते हैं अमीनो एसिड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये सब बन रहा है, ये सब चीजें भी तो हम काउंट कर सकते हैं। नहीं, लेकिन क्या है ना कि हम दो ही चीजों के बारे में मेनली डिस्कस करते हैं जब सेल साइकिल के टाइम पे डिस्कस कर रहे होते हैं। एक डीएनए का डुप्लीकेशन यानी कि डीएनए का रेप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज जो होती है वो होता है सेल डिवीजन, ठीक है। तो चूंकि डीएनए का डुप्लीकेशन क्या है, ये मेन इवेंट है सेल साइकिल का, इस वजह से इस फेज को हमने क्या बोल दिया, सिंथेसिस फेज बोल दिया है, ठीक है। तो डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए का रेप्लीकेशन इसी फेज के अंदर होता है। इसके अलावा प्रोटीन, एमिनो एसिड, इन सबका सिंथेसिस, जो सिंथेसिस है वो भी होता है, बट वो इंटरफेज के अंदर होता है। एंड G1 एंड G2 में कौन कौन सी चीजें जो है सिंथेसाइज हो रही है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, चलिए। बट अभी के लिए ध्यान रखिए इंटरफेज क्या है, तीन पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, तीन फेजेस है। एम फेज जो है इसके अंदर भी क्या आते हैं, दो, हम ये बोल सकते हैं कि इसमें भी दो इवेंट आ रहे हैं, दो फेजेस आ रही है। पहली आ रही है कैरियोकाइनेसिस, जो कि उसके बाद में कौन सी आती है, साइटोकाइनेसिस। यानी कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। काइनेसिस डिवीजन हो रहा है, तो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, या सेकंड जो है वो कौन सा इवेंट आता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। यानी कि जब सेल डिवाइड होती है तो पहले वो अपने न्यूक्लियस का डिवीजन करेगी और उसके बाद में उसका साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा, जिसकी वजह से डॉटर सेल्स या प्रोजेनी जो है वो डेवलप होंगी। प्रोजेनी का मतलब मैं डॉटर जो है सेल उसके लिए बोल रही हूं, ठीक है। तो प्रोजेनी सेल्स जो है वो बनेगी, क्लियर। कैरियोकाइनेसिस जो है फिर वो क्या है, डिवाइडेड है इंटू फोर फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, चार फेजेस में है। अभी हम लोग बात क्लियर कट माइटोसिस या मियोसिस के बारे में नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं सेल साइकिल का। इस वजह से मैंने यहां पे नहीं बताया है कि कौन कितनी बार होगा, या फिर इसको हमने फर्स्ट बोला है या सेकंड बोला है, ये सब बातें मैं नहीं बोल रही हूं। एक ओवरव्यू दे रही हूं सबको कंबाइंडली लेते हुए कि सेल साइकिल जो है उसमें दो फेजेस है, इंटरफेस के अंदर खुद के अंदर तीन फेजेस है, एम फेज के अंदर भी क्या है, दो इवेंट्स हो रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो इवेंट है इसके अंदर भी फोर फेजेस आ रही है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो सीक्वेंस यहां से याद रखिए, G1 देन S देन G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इस चार्ट के थ्रू क्लियर हो जाता है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए एनसीईआरटी के अंदर आपके डायग्राम दिया गया है सेल साइकिल का, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि ये पर्टिकुलर फेज जो है वो किसको डिनोट करती है। ये एक जी नॉट फेज है, जिसके अंदर कोई भी सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, ठीक है, बट वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिव का मतलब ये होता है कि उनके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स बन भी रहे होते हैं और वो टूट भी रहे होते हैं। रेस्पिरेशन जो नॉर्मल प्रोसेस जितने भी होते हैं किसी भी सेल के, मेटाबॉलिक जितने भी रिएक्शन होती है वो सभी होती है नॉर्मल कंडीशन में। मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट सेल डिवीजन नहीं होता है इसके अंदर, वो जी नॉट फेज है। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे बट डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम जो है पूछा गया, ये पहले एनसीईआरटी के अंदर था, ये न्यू एनसीईआरटी के अंदर है, जिसके अंदर से जी नॉट जो यहां पे बनाया गया है उसको हटा दिया है और यहां पे जी नॉट को शो किया गया है। रीजन यही है क्योंकि सेल जैसे ही साइटोकाइनेसिस करती है देन वो G1 के अंदर एंटर करती है। अब G1 जो फेज है वो कंप्लीट करके वो S फेज में जाएगी कि नहीं जाएगी, या फिर वो वहीं पे अपने आप को रोक देगी, तो उस पे डिपेंड करता है। अगर वो G1 फेज को कंप्लीट करके एस फेज में जाती है तो फिर वो आगे सेल डिवीजन करती है, बट अगर उसे सेल डिवीजन नहीं करना है, इन दैट केस वो G1 से क्या है, वो अपने इस फेज को आगे कंटिन्यू करने के बजाय जी नॉट के अंदर क्या होती है, अटक जाती है और सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है बट डिवीजन नहीं करती है। इस वजह से उन्होंने क्या किया, यहीं पे शो कर दिया कि सेल अगर G1 में जाएगी तब तो या ये पूरा प्रोसेस करेगी, अगर ये इसको कंप्लीट नहीं कर रही है तो वो क्या कर रही है, वो जी नॉट फेज कहला रही है, उसमें आगे एस फेज, G2 फेज, ये सब फेजेस नहीं आएगी। तो उसी पर्टिकुलर कंडीशन को बोला गया। अब ये मत सोचो कि यहां पे कोई दो रास्ते बने हुए, एक रास्ते में जाएगी फिर इधर नहीं गई तो इधर चली गई, ऐसा नहीं है। ये पर्टिकुलर कंडीशन है सेल की कि सेल जो है अगर उसने डिवाइड करने के लिए आगे नहीं गई है, यानी कि डिवीजन के लिए जो जो प्रोसेस करने हैं वो नहीं करती है और अपनी नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करती रहती है, तो इसका मतलब उस फेज को ही हमने क्या बोल दिया, जी नॉट। अब कंडीशन आ गई है कि उसको सेल
सेल डिवीजन करना है सेम सेल को, तो इन दैट कंडीशन वो क्या करेगी, जीवन के जितने भी एक्टिविटीज है उनको कंप्लीट करेगी एंड एस फेज जो है उसमें एंटर कर जाएगी। उसमें एंटर करने का मतलब ये है कि एस फेज में जो फंक्शंस हो रहे हैं उनको वो परफॉर्म करेगी, उसके अंदर वो सब चीजें होंगी, उसी को हम बोल रहे हैं एंटर करने का। मतलब ये नहीं कि रूम और कंपार्टमेंट्स बने उसमें घुसती चली जा रही है, ठीक है। तो अपनी इमेजिनेशन जो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए। चलिए, तो ये डायग्राम जो है पूछ लिया जाता है कि कौन सी फेज किसके लिए है, तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, बस वही दिया है, जीवन एस जी टू प्रोप फेज मेटा फेज एनाफेज टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, सेल साइकिल का ओवरव्यू है ये आपके लिए। चलिए भाई आगे डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल। चलिए ये तो हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन सी फेजेस होती हैं। ड्यूरेशन के बारे में अगर बात करें सेल डिवीजन के, कि सेल डिवीजन जो है ना, सेल साइकिल है, सेल डिवीजन जो है, ये पूरा प्रोसेस जो है ये कितने टाइम में कंप्लीट होता है, तो ये भी सब में वेरी करता है सेल टू सेल कि किस तरह की सेल है, तो उसमें टाइमिंग भी सेल साइकिल का अलग अलग होता है। ह्यूमंस के अंदर बात करें तो ह्यूमन जो है वो अपने पूरे सेल साइकिल को, यानी कि सेल में डुप्लीकेशन भी हो रहा है डीएनए का और उसके साथ में सेल डिवाइड भी कर रही है, तो ये जो कंडीशन है, ये जो चीज है, वो करने के लिए वो क्या करती है, 24 आवर का टाइम लेती है, जबकि अगर ईस्ट सेल की बात करें तो वो 90 मिनट लेती है। इसके अलावा बाकी सारी सेल्स कितना टाइम लेती है उसमें दिमाग मत दौड़ाइए, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही मेंशन है, तो क्वेश्चन अगर कभी पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा कि ह्यूमन सेल है तो वो कितना टाइम ले रही है सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ईस्ट सेल है तो कितना ले रही है, तो उसके लिए ये हो गया। कभी मैशदा कॉलम के अंदर चार चीजें अगर उनको लेनी होगी तो उनमें से अगर कभी कभी ये भी रख सकते हैं कि आप उनके कॉलम को मिलाइए, है ना। तो ये सब पूछने के तरीके हैं उनके, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया है वही पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ पूछा नहीं जाएगा, तो आप मत दौड़ाइए अपने दिमाग को। चलिए नाउ द नेक्स्ट, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल के अंदर से इंटरफेज, कि ये इंटरफेज है क्या। तो देखो इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल की, इस टाइम पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल डीएनए डुप्लीकेशन के लिए और सेल के खुद के डिवीजन के लिए, ठीक है। तो उसमें प्रिपरेशन का जो टाइम होता है वो होता है, उसके साथ में सेल डुप्लीकेशन जो है वो भी इसी टाइम पे होता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन वाला जो टाइम है ये वही टाइम है इंटरफेज सेल के लिए। चलिए अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसको हम डिफाइन अगर करें तो यूं कर सकते हैं कि ये एक इंटरवल है दो सक्सेसिव सेल डिवीजन का, कि एक सेल डिवीजन हुआ देन इंटरफेज आएगा, इंटरफेज में वो अपने आप को फिर से प्रिपेयर करेगी फॉर द सेल डिवीजन एंड देन फिर क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। तो आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, ये आपके देखने का नजरिया है, ठीक है। तो डिफाइन करने का तरीका है, आप ऐसे सेल साइकिल को पहले डिफाइन कर रहे हो जब आप ये कह रहे हो कि सेल साइकिल जो है वो इंटरफेज से होते हुए पूरा साइटोकाइनेसिस कंप्लीट करती है, तो उसको पूरे को हम सेल साइकिल बोल रहे हैं, सिक्वेंस में जो इवेंट्स हैं उनको हम बोल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको इंटरफेस को जब डिफाइन करना हो तो आप ऐसे कह सकते हो कि दो कंटिन्यू सेल डिवीजन के बीच के इवेंट को आप क्या बोलोगे, इंटरफेस बोलोगे। तो ये आपके डिफाइन करने का तरीका है, क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए प्रिपेयर ए सेल फॉर द डिवीजन, ये मैंने आपको बताया ही है, और ये 95% ऑफ द ड्यूरेशन जो है सेल साइकिल की लेता है, ये लॉन्गेस्ट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है, आपको ध्यान रखना है। इंटरफेस जो है इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन कौन से फेज में क्या काम होता है ये हमें देखना है। जीवन फेज के अंदर अभी देखो ये आ रही है एस फेज से पहले, एस फेज जो है वहां पे होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, यानी अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो बढ़ता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, डीएनए के जो थ्रेड है वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए जितनी भी चीजें चाहिए उन सब का प्रिपरेशन ही तो होगा इस टाइम पे, अभी तो डिवीजन तो उसको करना नहीं है, तो क्यों पहले से अपने आप को तैयार करें वो डिवीजन के लिए, अभी तो उसको जो काम करना है पहले उसी के लिए प्रिपेयर क्यों ना कर ले। तो देखिए कितना दिमाग लगाया है, डीएनए जो है अभी उसको डुप्लीकेट करना है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें चाहिए उसको वो क्या करेगी, यहां पर अपने आप को प्रिपेयर कर लेगी। अब क्या क्या करेगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव तो वो रहेगी रहेगी जीवन पे, क्योंकि उसको खुद को अपने आप को भी तो जीवित रखना है ना, लिविंग सेल है वो, तो उसके लिए जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको तो वो करेगी करेगी परफॉर्म, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है इस टाइम पे, बट इसी के साथ में डीएनए के लिए रेप्लिकेशन के लिए अपने आप को क्या करती है, प्रिपेयर करती है। अब प्रिपेयर करने का मतलब क्या हुआ, डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए कि नहीं चाहिए, तो न्यूक्लियोटाइड जो है उनका सिंथेसिस होता है यहां पे। इसके अलावा एक प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन जो कि क्या होती है, क्रोमेटिन फाइबर्स के कंडेंसेशन के लिए, जब डीएनए जो है आपका वो क्या होता है, छोटा और मोटा, यानी क्रोमेटिन फाइबर जो है छोटे और मोटे होते हैं, तो क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं, और ये क्रोमोसोम जो है यही क्या होते हैं, सेल डिवीजन के टाइम पे डिवाइड होते हैं दो डिफरेंट डिफरेंट सेल के अंदर, ठीक है। तो क्रोमोसोम फॉर्मेशन के लिए चाहिए हिस्टोन प्रोटीन उनके, तो ये हिस्टोन प्रोटीन जो है उसका सिंथेसिस जो है उसके लिए जितने एमिनो एसिड चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन है, प्रोटीन जो है वो बनता किसे, एमिनो एसिड से बनता है, तो उन एमिनो एसिड का यहां पे क्या होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक बात और बाद में बताऊंगी,
एनर्जी ऑफ रिच कंपाउंड यानी कि एटीपी, उसका फॉर्मेशन भी होगा। क्यों होगा भाई? एटीपी तो चाहिएगा ना डीएनए सिंथेसिस के लिए, तो एटीपी भी फॉर्म करेंगे। तो तीन चीजें याद रखिए, न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस है, हिस्टोन प्रोटीन के लिए जो अमीनो एसिड चाहिए उनका सिंथेसिस है, और एटीपी बाकी आगे जितनी भी एक्टिविटीज के लिए एटीपी चाहिए उसका फॉर्मेशन भी यहीं पे होगा। एस फेज के टाइम पे क्या हो रहा है? एस फेज के टाइम पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो इंक्रीज होता है। फॉर द एग्जाम्पल मान लीजिए कि सेल जब एस फेज में एंटर करती है, उससे पहले सेल के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि ये जो अमाउंट ऑफ जो डीएनए है वो 2C है, ठीक है। तो जैसे ये फेज कंप्लीट होगी तो अमाउंट जस्ट डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4C हो जाएगा, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्टार्टिंग में अगर 46 थे तो एस फेज के कंप्लीट होने के बाद में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे, केवल डीएनए का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, डीएनए का अमाउंट बढ़ेगा, डीएनए के हम ये बोल रहे हैं डीएनए से जो क्रोमोसोम बनते हैं उन क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक क्रोमोसोम है सिंगल, मैं भी एक बार रफ बता रही हूं, इसको करेक्ट मत करना, ये क्रोमोसोम है जो फॉर्म हुआ है एक थ्रेड से, ठीक है ना। अभी ये ऐसा ही क्रोमोसोम क्या हो गया? डीकंडेंस हो गया। डीकंडेंस हुआ तो उसको हमने क्या बोल दिया? क्रोमेटिन फाइबर बोला। ये क्रोमेटिन फाइबर जीवन से होता हुआ एस फेज में आया, जब ये एस फेज में आया तो इसने क्या कर लिया? रेप्लिकेशन कर लिया। अभी थ्रेड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब की बार इससे जो क्रोमोसोम बनेगा उसमें क्या होंगे? दो यहां पे क्या होंगे? डीएनए के थ्रेड हो जाएंगे। यानी कि अमाउंट तो इंक्रीज हुआ बट क्रोमोसोम कितना रहा? एक ही रहा, समझाने के लिए, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहां पे हम बोल रहे हैं अमाउंट बढ़ रहा है लेकिन नंबर इंक्रीज नहीं होगा। चलिए उसके अलावा यहां पे सेंट्रियोल, अगर ये एनिमल सेल है सेंट्रियोल जो एस्ट्रल रेस फॉर्म करते हैं, ठीक है, और क्रोमोसोम्स को डिफरेंट पोल की तरफ मूवमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनेल होते हैं, तो सेंट्रियोल जो है उसका डुप्लीकेशन भी यहीं पे होता है एस फेज के अंदर, ठीक है। याद रखिए इस बात को, यहीं पे उसका डुप्लीकेशन होगा। बट एक और चीज है, हिस्टोन प्रोटीन, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इस प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो भी एस फेज के अंदर होगा, ठीक है। यहां देखो, अभी चलो इस बात को समझाने के लिए पहले मैं G2 में आ जाती हूँ। G2 के अंदर एनसीईआरटी की एक लाइन है जिसको मुझे क्लियर करना है। चलिए G2 फेज जो है इसके अंदर हम ये बोल रहे हैं कि इसमें प्रिपरेशन होता है किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए। यानी सेल डिवीजन के लिए जितने भी ऑर्गेनेल है उनका डुप्लीकेशन पहले यही हो जाएगा, तभी तो वो दो डिफरेंट सेल के अंदर क्या होंगे? मूव करेंगे। तो ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन इसी टाइम पे होता है, और सेल डिवीजन के लिए जो भी चीजें चाहिए जैसे कि प्रोटीन चाहिए या फिर आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन सभी का फॉर्मेशन भी कहां होगा? आपके G2 फेज के अंदर हो जाएगा। अभी देखो एनसीईआरटी में क्लियर कट एक लाइन लिखी है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन यहां पे लिखा है, ठीक है। तो यहां पे कौन सी प्रोटीन बन रही है ये एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, यहां पर भी मेंशन नहीं किया है। देखो यहां पर भी क्या लिखा है कि हिस्टोन सिंथेसिस से रिलेटेड अमीनो एसिड यहां बनते हैं, बट कहां पे कौन सी प्रोटीन बन रही है ये क्लियर नहीं किया। तो देखो जो स्पिंडल फॉर्म होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, तो उसके लिए एक प्रोटीन होती है प्रोटोफिलामेंट को बनाने के लिए ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो क्रोमोसोम के कंडेंसेशन के लिए रिक्वायर्ड रहती है। तो देखिए यहां पर तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है वो यहां पे सिंथेसाइज होती है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होती है एस फेज के अंदर, इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन से रिलेटेड अमीनो एसिड जो है वो यहीं पे बन गए हैं। क्लियर आपको? तभी तो वो क्या है, यूज हो गए कहां पे? एस फेज के अंदर। और यहां पे जो प्रोटीन बनी है वो कौन सी प्रोटीन है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, जो कि आगे क्या बनाएगी? स्पिंडल बनाएगी, माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करेगी, स्पिंडल फॉर्म होगा इसकी वजह से। तो ये जो लाइन लिखी है जिसमें प्रोटीन शब्द यूज हुआ है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के लिए, हिस्टोन के लिए नहीं है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिए यहां ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनती है जबकि एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन बनती है। क्वेश्चन पूछते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, प्रोटीन शब्द आते हैं हमें लगता है सारी प्रोटीन यही बनी है, ठीक है, क्योंकि आगे मेंशन ही नहीं किया उन्होंने। चलिए अभी क्लियर हो गया आप लोगों के दिमाग में। तो ये है तीन फेजेस इंटरफेज की, G1, S एंड G2। अगर कोई सेल G1 को कंप्लीट करके S फेज में एंटर कर जाती है तो याद रखना वो डुप्सी डीएनए का डुप्लीकेशन अब करेगी ही करेगी, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर वो G1 को कंप्लीट कर देती है तो उसको S फेज में एंटर की तो अब वो डीएनए का डुप्लीकेशन करेगी। इन दैट केस कि उसे G1 जो है उसका फेज को कंप्लीट नहीं किया तो हो सकता है मे बी वो G0 के अंदर एंटर कर जाए। चलिए आगे अभी आ जाती है G0, है ना, ये कौन सी फेज है? G0 क्वाइसेंट फेज। देखिए ये वो फेज है जिसके अंदर सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन भी नहीं होगा और सेल आगे डिवीजन भी नहीं करेगी। फॉर द एग्जाम्पल हमारी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो जैसे कि हार्ट सेल्स हैं,
नर्व सेल्स हैं जो आगे डिविजन नहीं करती हैं, तो वो जो है जिस कंडीशन में अभी प्रेजेंट है, तो उनको उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेल अपने सेल साइकिल की कौन सी फेज के अंदर है, तो हम ये बोलते हैं वो जी नॉट फेज के अंदर है, क्योंकि वो आगे अब सेल डिविजन के लिए एस फेज में एंटर करके और वो पूरा सेल साइकिल कंप्लीट नहीं करेगी, सेल डिविजन नहीं करेगी। प्लांट सेल का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो इसके अंदर अगर हम लोग लेंगे तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, डिवीजन करते रहते हैं, देन मेरिस्टमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यूज के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो जब वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं उस टाइम पे वो अपना सेल डिवीजन करना रोक देते हैं, यानी कि अभी परमानेंट टिश्यूज के अंदर जितनी भी सेल्स है वो कौन से फेज के अंदर है, वो जी नॉट फेज के अंदर है। बट इन प्लांट्स स्पेशली उनके अंदर क्या होता है कि वो जब सेकेंडरी ग्रोथ करती है उस टाइम पे वही परमानेंट टिश्यू वापस से सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं, इट मीन्स जी नॉट से वो वापस जी वन के अंदर एंटर कर जाती है। तो ये याद रखिए, तो जी नॉट जो है वो क्या है, वो परमानेंट भी हो सकती है फेस और टेम्परेरी भी हो सकती है। प्लांट्स के अंदर अपन टेम्परेरी कंडीशन देख ही लेते हैं, हमारे अंदर भी देख सकते हैं, जैसे कि स्किन, हमें कहीं चोट लग जाती है, घाव, अगर हमें कहीं पे घाव वगैरह हो जाता है तो आप देखेंगे हमारी स्किन जो है वो क्या करती है, सेल डिविजन करती है और वो टिश्यू सारे रिपेयर हो जाते हैं, स्किन आपको वापस वैसे की वैसे मिल जाती है इंजरी के बाद में। रीजन, क्योंकि वो पहले परमानेंट थी एंड देन जब उनको रिक्वायरमेंट हुई जी नॉट फेस को उन्होंने क्या किया, त्याग दिया और जीवन में एंटर करके सेल डिविजन किया और टिश्यूज जो है उनको बना लिया, ठीक है। तो टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है, एनसीईआरटी की आपकी लाइंस है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर देखिए, इसके बाद में एक शॉर्टर फेज आती है इंटरफेज के कंप्लीट होने के बाद में, वो होती है माइटोटिक फेज, और माइटोटिक फेज जो है उसी को हम सेल डिवीजन बोल रहे हैं, और आपको पता है कि ये दो पार्ट में होती है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की फोर फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। चलिए, माइटोसिस, अभी देखिए सेल डिवीजन दो तरह का हो सकता है, या तो माइटोसिस या फिर मियोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस का मतलब क्या है, इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, अगर एक सेल है उसने माइटोसिस किया, जब दो डॉटर सेल बनी तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, यानी इसमें 2n थे अगर, तो इसके अंदर भी क्या होंगे, 2n ही होंगे क्रोमोसोम, और इसमें भी क्या होंगे, 2n ही होंगे, इसीलिए उसको हमने क्या बोला है, इक्वेशनल डिवीजन बोला है। क्लियर हो गया आपको माइटोसिस के बारे में, ठीक है। माइटोसिस जो है, अगर आप इसको आगे डिस्कस करेंगे तो देखिए वही इंटरफेज आ जाती है, और इंटरफेज के बाद में ये आपके माइटोटिक फेज में एंटर करती है, जहां पे फोर फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। प्रोफेज में क्या क्या होता है, देखो ये जितने भी चारों के चारों फेजेस है ना, आपको क्या याद रखना है, हर फेज के अंदर क्या काम हो रहा है, ऐसे ही आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर कट दिमाग में पिक्चर बना लीजिए अपने, प्रो का मतलब क्या हो गया भाई, सबसे पहली ये फर्स्ट फेज है, ठीक है, ये आपकी एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियर एनवलप है जिसके अंदर आपके क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ठीक है, ये क्रोमेटिन फाइबर है, ये क्रोमेटिन फाइबर जो थिन है अभी क्या होंगे प्रोफेज में आने के बाद में, क्योंकि ऐसे तो हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते ना, गुच्छे की तरह, धागे की तरह, कुछ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होगी तब तो उसको क्या है, इजी रहता है प्रॉपर उनको डिवाइड करना। देखिए भगवान ने कितने अच्छे मतलब दिमाग लगाए हैं ना, कितने प्रॉपर वे में सारे काम हो रहे हैं। चलिए, साइंस देखो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो ये क्रोमेटिन फाइबर्स अब क्या होंगे, धीरे धीरे शॉर्टर होना शुरू करेंगे, छोटे होंगे, अभी तो लंबे लंबे थ्रेड है, ये छोटे होने शुरू हो जाएंगे और मोटे होना शुरू हो जाएंगे। तो कंडेंसेशन होगा किनके अंदर, क्रोमेटिन फाइबर के अंदर होना शुरू होगा, कब, जब हम बात करते हैं प्रोफेज के अंदर, अर्ली प्रोफेज की, जब प्रोफेज स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इनका कंडेंसेशन भी क्या हो जाता है, होना शुरू हो जाता है, ये छोटे और मोटे होने लग जाते हैं, ठीक है, प्रोफेज के टाइम पे। अभी देखिए प्रोफेज के स्टार्टिंग में आप देखोगे यहां पे न्यूक्लियर एनवलप जो है ना, ये एनवलप ये आपको शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर हम जब बात करते हैं इनकी कि ये जो है आपकी जो क्रोमोसोम्स है ये धीरे धीरे आपके होंगे, इसी के साथ में अगर ये एनिमल सेल है तो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, सेंट्रियोल। तो ये जो सेंट्रियोल होते हैं, ये सेंट्रियोल भी क्या है, डिफरेंट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, और उसी के साथ में एस्ट्रल रेज जो होती है उसका फॉर्मेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। ये धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट पोल की तरफ जाते हैं और ये क्या करते हैं, एस्ट्रल जो रेज है उनको भी बनाना शुरू कर देते हैं। एस्ट्रल रेज तो आप समझते हो ना किसको बोलते हैं, ये इस तरह से माइक्रोट्यूबुल से जो है ये निकलती है, जहां पर आपके सेंट्रोमियर से जब आपके क्रोमोसोम जो है यहाँ पे यूं जुड़ते हैं, इसी को तो हम बोलते हैं, ठीक है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं आपके, मैंने दोनों ही बना दिए हैं, मियोसिस का भी बना दिया और माइटोसिस की कंडीशन में बना दिया, बट जो क्रोमोसोम्स है इन स्पिंडल फाइबर से यहाँ पे जुड़ते हैं। तो ये जो एस्ट्रल रेस बनती है, यहाँ पे बना दीजिए, ये एस्ट्रल रेस जो है
ये जो बनती है और जो ये स्पिंडल बनता है, तो इनका बनना जो है वो भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, ये स्पिंडल और ये दोनों बनने शुरू हो जाते हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद में देखिए ये जब अपोजिट पोल की तरफ ये अपना धीरे धीरे मूवमेंट शुरू करेंगे, लेट प्रोफेज जब आएगी, लेट प्रोफेज आते आते क्या हो जाएगा, लेट प्रोफेज के आते आते देखिए आपको ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोफेज के स्टार्टिंग में नजर आ रही थी, ये धीरे धीरे दिखना पूरी तरीके से क्या हो जाती है, ये देखो ब्रेक होना शुरू हो गई है, ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, ये पूरी की पूरी डिसअपियर होना स्टार्ट होती है। और ऑलमोस्ट हम ये बोलते हैं कि जब लेट प्रोफेज आता है तब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है, इसके साथ में जितने भी ऑर्गेनेल है वो भी क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, दोनों सेंट्रियोल जो है वो डिफरेंट पोल की तरफ मूव कर देते हैं और उसी के साथ में स्पिंडल और एस्ट्रल रेज जो है वो भी बन जाती है। तो यहां पर होता क्या है, प्रोफेज के अंदर मेन काम क्या है, डीएनए का, ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स है इनका कंडेंसेशन शुरू होता है और वो धीरे धीरे जो है वो कंडेंस होना शुरू होकर कंडेंस हो जाते हैं। चलिए इसके बाद में बात करते हैं मेटाफेज की, कि मेटाफेज है क्या। तो देखो मेटाफेज की स्टार्टिंग किससे मानेंगे, मेटाफेज की स्टार्टिंग इससे मानेंगे कि पूरी की पूरी जो न्यूक्लियर एनवेलप है और जितने भी ऑर्गेनेल है वो डिसअपियर हो चुके हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स भी हैं जो वो भी क्या हो गए हैं, कंडेंस होके छोटे और मोटे हो चुके हैं। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मेटाफेज का मतलब ये हुआ कि इस फेज के अंदर, ये देखो मेटाफेज के अंदर क्या है, ये स्पिंडल बन चुके हैं सारे, है ना, स्पिंडल बन चुके हैं, ये एस्ट्रल रेज है, सेंट्रियोल ने जो है वो एस्ट्रल रेज बना दी है। अभी क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पर सेट होते हैं, कैसे, अगर मैं इसका नॉर्मल सा सीधे से डायग्राम में बताऊं तो इस तरीके से यहां पर ये स्पिंडल है जिस पर ये क्रोमोसोम जो है वो क्या है, सेट हो रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह से मैं बना देती हूं तब सा डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे ये क्रोमोसोम जो है वो क्या है, इक्वेटोरियल प्लेट पर सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए स्पिंडल में दो तरह के हमें फाइबर देखने को मिलते हैं, एक तो होते हैं कंटिन्यूअस जिससे कोई भी क्रोमोसोम जुड़ता नहीं है, और एक होते हैं क्रोमोसोमल जिनसे क्रोमोसोम जो है वो अटैच होते हैं। क्वेश्चन, क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल से किससे जुड़ते हैं, तो ये आपके जो क्रोमोसोम है इस क्रोमोसोम के ऊपर जो काइनेटोकोर होता है उस काइनेटोकोर से स्पिंडल जो है इनसे जुड़ता है, ठीक है। तो काइनेटोकोर के थ्रू यहां पे ये जुड़ते हैं। अभी देखिए मेटाफेज के टाइम पे ये इस तरह से इक्वेटोरियल प्लेट पर सेट हो गए हैं ये जितने भी क्रोमोसोम हैं, और मेटाफेज वो फेज है जिसपे हम अच्छे से मोर्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम की, क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि कंडेंस हो गया ना और इक्वेटोरियल प्लेट पे सेट हो गए, तो एक तो हम इनकी मोर्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। अभी ये देखो आपको सिस्टर क्रोमेटिड्स भी नजर आ रही है, क्रोमोसोम है ना, और इसकी दोनों आर्म्स भी नजर आ रही है। चलिए तो यहां पे इसकी मोर्फोलॉजी की स्टडी हो सकती है और कितने नंबर में प्रेजेंट है, यानी कि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है उनका नंबर क्या है, उसकी स्टडी भी मेटाफेज में आराम से हो सकती है, क्योंकि आप काउंट कर सकते हो ना 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंट कर सकते हो, तो नंबर भी स्टडी कर सकते हो और आप यहां पे उसकी मोर्फोलॉजी भी स्टडी कर सकते हो मेटाफेज के टाइम पे। चलिए प्रोफेज में और मेटाफेज में और एनाफेज एंड टीलोफेज चारों फेजेस में अगर देखें तो प्रोफेज सबसे लंबी ड्यूरेशन की होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे लंबी ड्यूरेशन की होती है। और मेटाफेज के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे सिर्फ ये इक्वेटोरियल प्लेट बनती है जहां पर ये आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, जब माइटोसिस को और मियोसिस को कंपेयर करते हैं तो पूछते हैं ये चीज कि इक्वेटोरियल प्लेट कितनी बनती है मेटाफेज के अंदर, तो अगर माइटोसिस की बात करेंगे तो एक ही इक्वेटोरियल प्लेट बनती है जिसके ऊपर सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। मियोसिस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम लोग मियोसिस के टाइम पे डिस्कस करेंगे। चलिए तो ये हुई मेटाफेज, मेटाफेज के बाद में आ जाते हैं एनाफेज के अंदर। तो एनाफेज के अंदर क्या होता है, एनाफेज के अंदर ये जो क्रोमोसोम है इक्वेटोरियल प्लेट पे ये स्प्लिट होके दूर होना शुरू करते हैं, ये हम ये बोल रहे हैं चारों फेज में सबसे छोटी फेज होती है, ड्यूरेशन इसका कम होता है, और जब ये दूर होना शुरू होते हैं तो सेंट्रोमियर जो होता है ये जो है इनके बीच में, अगर हम ये बोल दें ये सेंट्रोमियर है ना सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड का जो सेंट्रोमियर है ये क्या हो जाता है, स्प्लिट होना शुरू होता है, और यहीं से ये स्पिंडल फाइबर जो है ये जब ये इधर इनके बीच में इंटर क्रोमोसोम फाइबर है वो क्या होता है, बढ़ता है, और ये क्या होता है एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं, सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोमियर जो होता है वो स्प्लिट होता है, यहां पे याद रखना सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट होता है, और क्रोमोसोम जो है उसके दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बने कैसे, क्योंकि डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ और डीएनए की डुप्लीकेशन रेप्लीकेशन की वजह से क्या है, ये एक क्रोमेटिड से कितनी बन गई, दो क्रोमेटिड्स बन जाएंगी, क्योंकि डीएनए है ना इनके पास में, डुप्लीकेट हो चुका है वो, तो ये क्या हो जाएगी, स्प्लिट होंगी, बनेंगी क्या,
आपके सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से दूर जाएंगी, ठीक है। तो अभी एनाफेज के अंदर ये दूर होना शुरू होते हैं और टीलोफेज आते आते क्या होता है, टीलोफेज आते आते सारे के सारे आपके क्रोमोसोम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पोल की तरफ चले जाते हैं। तो डिफरेंट पोल की तरफ कितने जाएंगे, मान लीजिए 46 थे, 46 जो है उनके 46 क्रोमोसोम जो है वो आपस में क्या हुए, अपने सिस्टर क्रोमेटिड से सेपरेट हुए हैं, यानी कि सब में एक एक सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो चला गया, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने ही रह रहे हैं दोनों ही तरफ, 46 एंड 46। टीलोफेज में होता क्या है, टीलोफेज जस्ट अपोजिट है प्रोफेज की, दोनों टीलोफेज के स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, ये क्रोमोसोम आपके डिफरेंट पोल की तरफ चले जाते हैं, डिफरेंट पोल की तरफ चले गए हैं, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो धीरे धीरे वापस से क्या होती है, बनने लगती है, जितने भी ऑर्गेनेल डिसअपियर हो गए थे वो भी क्या होंगे, रीअपियर होंगे, और जितने भी ये आपके क्रोमोसोम्स हैं ये वापस से भी डीकंडेंसेशन शो करेंगे, ये वापस से क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में आना शुरू करेंगे, राइट। तो ये चीजें जस्ट अपोजिट यहां होगी, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा टीलोफेज न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो भी बन जाएगा, राइट। और ये जो आपके क्रोमेटिड्स हैं ये भी जितने भी ऑर्गेनेल हैं वो ऑर्गेनेल्स भी वापस से रीअपियर हो जाएंगे, और दो हमें यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई दिखाई देंगे, ये डॉटर दो डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो हमें यहाँ पे नजर आएंगे, और इसके साथ में क्या हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा साइटोकाइनेसिस। अभी देखिए साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में और प्लांट सेल में अलग अलग होता है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो चुका है, तो यहां से मेम्ब्रेन जो है वो एक्सटेंड होकर एक फ्रो क्रिएट करती है, और ये फ्रो जो है आगे बढ़ती जाती है और सेंटर में आकर एक दूसरे में फ्यूज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दो डॉटर सेल जो है उनका फॉर्मेशन हो जाता है, ये इस तरीके से ये दो डॉटर सेल, और फिर ये और सेपरेट कर दीजिए इसको, ये सेपरेट हो गई है, तो दो डॉटर सेल जो है उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सेल फ्रो मेथड से, फ्रो मेथड से क्या होगा, एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होगा, जबकि प्लांट सेल के अंदर गॉल्जी बॉडी जो है वो अपने यहां पर अरेंज होके एक सेल प्लेट बनाती है, ठीक है, ये न्यूक्लियाई है, और धीरे धीरे जब ये एक्सटेंड होगा तो दो सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगी। तो सेल प्लेट मेथड से होता है प्लांट के अंदर, सेल प्लेट मेथड से होगा किसमें, प्लांट में, जबकि एनिमल में किससे होगा, फरो मेथड से होगा, क्लियर। तो साइटोकाइनेसिस अलग अलग हो सकता है। नाउ जरूरी नहीं है साइटोकाइनेसिस हो, समटाइम कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक सेल है और उसका न्यूक्लियस ने क्या किया, डिवीजन किया, दो न्यूक्लियाई बने, फिर ये वापस से माइटोसिस करके वापस से अपने क्या करेंगे, और न्यूक्लियाई इंक्रीज करेंगे, और ये साइटोकाइनेसिस होगा ही नहीं, बार बार लगातार कैरियोकाइनेसिस हुआ, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है ये कंडीशन जो है डेवलप हो जाएगी, सिंस आईटीएल कंडीशन जो है सिनोसिटिक, ये कंडीशन जो है डेवलप हो जाएगी मल्टी न्यूक्लिएटेड, साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होता है तो। क्वेश्चन पूछा जाता है इफ कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस देन क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है, फंजाई वगैरह में आप लोग देखते हैं ये कंडीशन, तो ऐसा होता है माइटोसिस के अंदर। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, क्यों होता है, किस लिए होता है, तो पहली बात तो ये डिप्लॉइड सेल के अंदर माइटोसिस होता है, हैप्लॉइड सेल भी जो है वो माइटोसिस कर सकती है, ठीक है। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे माइटोसिस का होना, बिल्कुल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर मेन कंडीशन क्रोमोसोम की हैप्लॉइड है, इन दैट कंडीशन वो गैमेट फॉर्मेशन के लिए क्या करेगा, माइटोसिस ही तो करेगा, माइटोसिस करेगा कि नहीं करेगा, जैसे कि फॉर द एग्जांपल फंजाई, अगर फंजाई जो है वो हैप्लॉइड होती है और उसको गैमेट अगर बनाना हो तो वो माइटोसिस के थ्रू ही तो गैमेट बनाएगा। नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे कौन सा डिवीजन होता है, तो हम बोलते हैं मियोसिस, राइट। तो मियोसिस का होना जरूरी है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा मियोसिस जरूर होगा, कौन सी कंडीशन में होता है, कहां होता है, वो एक अलग बात है कि गैमेटिक मियोसिस होता है या फिर जायगोटिक, बट माइटोसिस जो है वो भी हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट फॉर्मेशन में, अगर ऑर्गेनिज्म पेरेंटल सेल जो है वो हैप्लोइड हो तो, क्लियर। उसके अलावा माइटोसिस जो है वो किस लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, सेल के नंबर इंक्रीज करने के लिए कंडीशन होती है, राइट। हमारी जो ग्रोथ हो रही है तो उस टाइम पे सेल जो है वो क्या कर रही है, माइटोसिस करके तो डिवाइड कर रही है, तो वेजिटेटिव सेल्स जो होती है, सोमेटिक सेल्स जो होती है वो माइटोटिक डिवीजन ही करती है, क्लियर हुआ आपको। इसी के साथ में क्यों करती है, तो ये अपना न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन करने के लिए भी कभी कभी सेल क्या करती है, डिवाइड करती है, और ये एसेंशियल है उसके लिए। अगर कोई सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है
तो वो सेल क्या है, उसका न्यूक्लियस जो है, उसका वॉल्यूम जो है अपने साइटोप्लाज्म के अगर उससे कंपेयर करें तो वो बढ़ जाएगा। तो उसको कम करने के लिए भी, उसको बैलेंस करने के लिए भी, रेशो को भी, तो न्यूक्लियस का कैरियोगेनेसिस भी होगा एंड देन साइटोगेनेसिस होके जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो है उसको मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी करती है सेल अपने रेशो को मेंटेन करने के लिए, तो उसके लिए ये एसेंशियल होता है। ठीक है, तो माइटोसिस के सिग्निफिकेंस है आपकी एनसीईआरटी में क्लियर कट मेंशन, अगर आपने ध्यान से पढ़े हो तो। उसके अलावा एपिडर्मल सेल्स है, लाइनिंग ऑफ गट है, ब्लड सेल्स हैं, ये सभी जो है ये रिप्लेस्ड होती है बाय द माइटोसिस। ये मैंने आपको बताया, ये माइटोसिस तो तभी होता है जब वो सेल्स क्या करती हैं, इंजरी के टाइम पे अपने आप को डिवाइड करके नंबर बढ़ाती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स बिल्कुल करती है, इसके अलावा कैम्बियम तो करती है, लेटरल जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तब लेटरल कैम्बियम जो है वो, या फिर एपिकल कैम्बियम जो है, ये सब क्या करती हैं, डिवीजन करके ग्रोथ जो है प्लांट्स की बढ़ाती है। तो बिल्कुल ये सभी वो सेल्स हैं जो कि माइटोसिस करती हैं। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है और आप लोग इससे रूबरू भी हैं, जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इतना ही माइटोसिस के अंदर हमें पढ़ना है। आई थिंक आपको इसके कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए होंगे। चलिए, नाउ द मियोसिस। मियोसिस क्या है? मियोसिस को नॉर्मली हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब एक सेल डिवाइड होती है तो उससे हमें मिलती है 4 सेल्स। ठीक है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कैसा रह जाता है? आधा। अगर पेरेंटल सेल में डिप्लॉइड कंडीशन थी तो जो प्रोजेनी सेल्स है उनमें हैप्लॉइड कंडीशन प्रेजेंट होगी। क्लियर? अभी देखो, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला। बट मियोसिस थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है फ्रॉम द माइटोसिस। क्लियर? किसने डिस्कवर किया? तो प्लांट्स में स्टार्सबर्ग ने एंड ये जो फॉर्मर एंड मूर जो है, इन्होंने मियोसिस टर्म जो है वो दी है। इसके अलावा मियोसिस जो है एक्चुअल में इसके अंदर ये जो साइकिल होता है, इंटरफेस कंप्लीट हुआ, ठीक है, डीएनए डुप्लीकेशन होगा, उसके बाद में एम फेज में जब वो एंटर करेगी तो एम फेज जो होती है वो हम ये बोलते हैं कि दो बार होती है। दो बार होने का मतलब ये हुआ कि एम फेज फर्स्ट एंड एम फेज सेकेंड, दो बार होगी ये फेज। एम फेज फर्स्ट का मतलब क्या हुआ? प्रोफेज फर्स्ट देन मेटाफेज फर्स्ट देन एनाफेज फर्स्ट देन टीलोफेज फर्स्ट। और M2 का मतलब क्या हुआ? प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड। इस तरीके से दो बार जो है ये साइकिल होगा। दो बार का मतलब कौन सा, सॉरी साइकिल नहीं, दो बार ये फेज होगी। तो माइटोटिक फेज जो है वो दो बार होती है, यानी सेल डिवीजन दो बार होता है। बट इंटरफेज जो है, यानी कि इंटरफेज में, एस फेज में जो डुप्लीकेशन हो रहा है वो केवल एक बार ही होता है, वो दो बार नहीं होता। इंटरफेज अगर आएगा भी तो उसमें डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन एक बार ही होगा, वो भी मियोसिस फर्स्ट से पहले, ये जो एम फेज है इस एम फेज से पहले, ठीक है, वो भी फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट से पहले होगा, मियोसिस सेकंड से पहले जो अगर इंटरफेज आ भी जाती है तो उसमें डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होगा। क्लियर रखिए इस बात को, यानी इंटरफेज डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ देन आई कौन सी, आपकी मियोसिस फर्स्ट, फिर अगर इंटरफेज आती है तो डुप्लीकेशन नहीं होगा, प्रोटीन वगैरह का सिंथेसिस हो जाएगा बट फिर उसके अंदर डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होगा और मियोसिस सेकंड परफॉर्म होगा एंड देन साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, तो ये याद रखिए आप लोग, साइटोकाइनेसिस बीच में भी आ सकता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में साइटोकाइनेसिस हो सकता है, साइटोकाइनेसिस भी फर्स्ट एंड सेकंड हो सकता है। समटाइम्स साइटोकाइनेसिस ओनली एक बार ही होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड के कंप्लीट होने के बाद में। तो दिमाग में पिक्चर बनाइए, इंटरफेज देन मियोसिस फर्स्ट देन मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में कभी कभी इंटरफेज भी आ सकती है और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट भी आ सकता है, नहीं तो एकदम एंड के अंदर साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, उसको आगे क्लियर करते हैं। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। मियोसिस जो है ये तभी इनिशिएट होगा, किस वजह से मियोसिस फर्स्ट जो है वो इनिशिएट होता है, जब पेरेंटल क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो जाए, रेप्लिकेट हो जाए। ये होना जरूरी है एस फेज के अंदर, अगर ऐसा नहीं होता तो मियोसिस फर्स्ट नहीं होगा। ठीक है, मियोसिस सेकंड जो है इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ये एक, इनकी पेयरिंग भी होती है और रिकॉम्बिनेशन भी होता है। अब ये क्या चीजें हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दी गई लाइंस है जिनको मैं बता रही हूं, ये आगे डिस्कस करना है हमें, ये भी हमें आगे डिस्कस करना है। और 4 हैप्लॉइड सेल्स जो है वो फॉर्म होगी एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, लास्ट में। मियोसिस फर्स्ट के एंड में कितनी बनेगी? 2, देन मियोसिस सेकंड के एंड में कितनी बनेगी? 4। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है जो हम आगे लास्ट में आपको डिस्कस करवा देंगे पूरा अच्छे तरीके से। चलिए अभी आगे, ये स्टेजेस कितनी है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। मियोसिस फर्स्ट जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है, यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, ये इक्वेशनल डिवीजन है, यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। याद रखिए, मियोसिस फर्स्ट का रिजल्ट कितनी डॉटर सेल्स होती हैं? 2, जबकि मियोसिस सेकंड के रिजल्ट कितनी होती है? 4। एक सेल है
उसने क्या किया, मियोसिस फर्स्ट किया तो दो सेल बनेगी, ये दोनों सेल फिर आगे क्या गई, फिर डिविजन किया तो ये बनाएंगी कितनी, दो सेल, और ये भी कितनी बनाएंगी, दो सेल, तो टोटल सेल कितनी हुई, चार। ठीक है, यही पे क्या हो गया, ये 2n है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया, इन्होंने इक्वेशनल डिवीजन किया इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतना का उतना ही है। लेकिन अगर कंप्लीटली एंड देखे तब भी कितनी है, चार सेल, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है। और अगर बीच में कभी पूछ लिया जाए फर्स्ट एंड सेकंड करके तो आपको आंसर पता होना चाहिए। ये है रिडक्शनल डिवीजन, ये है इक्वेशनल डिवीजन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया, बाकी चार्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन है वही सारी आपको लिख दिया गया है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, चार्ट्स आपके एनसीईआरटी से बनाए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो सब कुछ इसके अंदर मेंशन है। चलिए अब देखिए, इंटरफेस कंप्लीट हुआ, सेम है जैसा माइटोसिस के अंदर इंटरफेस होता है वैसा का वैसा मियोसिस में होता है। जी टू फेज कंप्लीट हुई, नाउ द सेल एंटर इनटू किसमें हुई है, प्रोफेस वन के अंदर एंटर उसने किया। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट होगा पहले क्योंकि एस फेज के अंदर डीएनए डुप्लीकेशन किया है। अब मियोसिस फर्स्ट के अंदर, प्रोफेस फर्स्ट के अंदर क्या क्या होगा, तो देखो प्रोफेस फर्स्ट के अंदर चीजें तो वही सारी होती है जो कि प्रोफेस के अंदर होती है नॉर्मली, जो हमने माइटोसिस के टाइम पे डिस्कस किया। कुछ इवेंट्स इसके अंदर डिफरेंट होते हैं, इसीलिए प्रोफेस फर्स्ट जो है वो खुद सब फेजेस में डिवाइडेड होती है फाइव। कौन कौन सी है, लेप्टोटिन, ये है जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस, ये इसकी पांच फेजेस हैं। ठीक है, याद कर सकते हो, लता जरा पानी दे देना, इसे याद रहेगा, सीक्वेंस इनकी याद रहेगी, वैसे कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, लता लेप्टोटिन, लेप साउंड भी नहीं एक्चुअल में मैच हो रहा है, बट याद करने का तरीका है, लता आया एल आया यानी लेप्टोटिन पहले है, जरा से जेड आ गया तो जाइगोटिन, देन पानी से पी आया तो पेकाइटिन, दे देना तो डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस सबको याद रहता है, सबसे एंड में है ये, तो उस लाइन से हम लोग सीक्वेंस याद रख सकते हैं, बट कौन से फेज में क्या इवेंट हो रहा है ना वो क्लियर कट याद रखना है आपको। ठीक है, अभी देखो लेप्टोटिन में क्या हो रहा है, लेप्टोटिन के अंदर क्रोमोसोम जो है वो हमें, हम ये बोल रहे हैं कि हमें पूरे डिस्टिंक्ट जो है वो अभी एकदम से आना शुरू नहीं होते, दिखाई हमें नहीं देते, क्रोमेटिन जो है वो हमें फाइबर जो है क्रोमोसोम के फॉर्म में नजर नहीं आते, पहली बात। दूसरी बात, न्यूक्लियर जो एनवलप है वो भी डिसअपियर होना यहाँ पे शुरू नहीं होता है, जैसा नॉर्मली हम प्रोफेस के टाइम पे पढ़ते हैं ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, कंडेंसेशन क्रोमोसोम का यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, वो सारी चीजें, ऑर्गेनेल का डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं, वो सब चीजें हम लोग याद करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों को याद करना पड़ेगा। यहाँ पे इस स्टेज के अंदर क्या होता है, इस स्टेज में केवल क्रोमोसोम जो है वो कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट करते हैं, कंडेंसेशन उनका क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है, किसके अंदर, आपके लेप्टोटिन स्टेज के अंदर। ठीक है, और ये क्या है, इनके जो एंड्स होते हैं, अभी आप देखो ये सेल है, सेल जो है लेप्टोटिन स्टेज के अंदर है, न्यूक्लियर एनवेलप अभी भी नजर आ रहा है, पर ये जो क्रोमेटिन फाइबर है इनके एंड्स कभी कभी नजर नहीं आते क्योंकि ये न्यूक्लियर एनवेलप से जुड़े होते हैं, और ये इस तरह से गुच्छे के फॉर्म में होते हैं, इनको क्लियर डिस्टिंक्ट हम नहीं देख पाते हैं, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ये जो है स्वोलन, हम ये बोल देते हैं जो ऊन का गुच्छा होता है ना वैसा सा नजर आता है, स्पर्मिया स्टेज इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये है लेप्टोटिन स्टेज, याद रखना कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, जैसा कि प्रोफेज के अंदर होता है केवल कंडेंसेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। जब हम जाइगोटिन की बात करेंगे तो जाइगोटिन के अंदर आते आते क्या है, अभी क्रोमेटिन जो है वो और कंडेंस्ड हो गए हैं, क्रोमोसोम जो है छोटे और मोटे हो जाते हैं, बट स्टिल इनकी सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो नजर नहीं आती है हमें। ठीक है, यहां पे हमें सिस्टर क्रोमेटिड नजर नहीं आएगी, बट जाइगोटिन स्टेज जो है वो किस चीज के लिए स्पेशल, ये याद रखना है, यहां पे बाइवेलेंट फॉर्म होते हैं। बाइवेलेंट का मतलब क्या हो गया, बाइवेलेंट का मतलब ये हो गया कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करेंगे। आपको ये मालूम है कि हमारे अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारी मदर से है, दूसरा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारे मतलब पिता से है, हमारे फादर से है। ठीक है, उसकी वजह से 46 क्रोमोसोम बने हैं। अब 46 के अंदर हम कितने बोलते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारे अंदर है, जो हम पेयर के फॉर्म में बोलते हैं, तो वही कंडीशन है जितने भी होमोलोगस, यानी कि ऐसे क्रोमोसोम जिनके अंदर सेम कैरेक्टर वाले जीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये मान लिया क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है, और ये है क्रोमोसोम नंबर 2, ये वाला जो क्रोमोसोम है ये आया है मदर से,
ये क्रोमोसोम आया है फादर से, ठीक है। बट इसपे जीन अगर आई के लिए प्रेजेंट है तो इसपे भी जीन किसके लिए प्रेजेंट होगा, आई के लिए होगा। वो हो सकता है फिर मे बी डिफरेंट, हम ये बोल सकते हैं कि एलील हो सकता है कि अगर इसमें ब्लैक आई के लिए है तो इसमें हो सकता है ब्राउन आई के लिए जो है जो बोलते हैं जीन आया हो, बट सेम जीन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो उस क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट बोलते हैं। बट स्टिल जायगोटिन के अंदर ये पेयरिंग करेंगे बट टेट्राड और ये जो कंडीशन है ना ये नजर नहीं आएगी। अब ये पूछ लेते हैं कभी कभी कितने बाइवेलेंट बनते हैं, तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी भी सेल में होते हैं उसके हाफ बाइवेलेंट बनते हैं, यानी कि हमारे अंदर 46 है, अगर हमारी सेल मियोसिस कर रही है तो ये जो है आपके जायगोटिन स्टेज के अंदर उसमें कितने बाइवेलेंट होंगे, तो 23 उसके अंदर क्या होंगे, बाइवेलेंट होंगे। पेयर होता है तो पेयर को हम बाइवेलेंट यहां पे बोल रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बाइवेलेंट कितने बनते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स फॉर्म हो रहा है यहां पे, तो इसको हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहां पे बनता है एक प्रोटीन की वजह से। तो ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स वर्ड आए तो आप बोलिए कि ये काम ये कहां पे हुआ, ये कॉम्प्लेक्स जायगोटिन में हुआ। बाइवेलेंट का फॉर्मेशन कहां हुआ, जायगोटिन में हुआ। कितने बाइवेलेंट बनेंगे, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल में उसके आधे बाइवेलेंट इसके अंदर बनेंगे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां पर जायगोटिन स्टेज से रिलेटेड। क्लियर आप लोगों को? चलिए अभी आ जाते हैं पेकाइटिन के अंदर। पेकाइटिन के अंदर इस स्टेज के अंदर ये देखो लॉन्गेस्ट फेज है, इस फेज के अंदर क्या होता है, इस फेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर। और यहां पर हमें टेट्राड जो है वो नजर आता है, यानी ये कंडीशन। टेट्राड का मतलब क्या हुआ, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो हमें नजर आनी शुरू हो जाती है क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस्ड हो गए हैं, ठीक है। यहां पे जब ये टेट्राड फॉर्म हुआ, ये टेट्राड हमें नजर आने लग गया है, यहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हुआ कि ये अपने दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मान लीजिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम की ये दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर है। सेम क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स क्या कहलाएंगी, ये क्या है आपस में सिस्टर क्रोमेटिड, जबकि ये सॉरी कलर पेन दूसरा यूज करते हैं भाई, एक इसे क्या होगा, ये जो है ये और ये जो क्रोमेटिड है ये आपस में एक दूसरे के लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है आपस में कई जगह से जुड़ जाती है और अपने जीन का आदान प्रदान करती है, इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसकी वजह से वेरिएशन होते हैं, आसान शब्दों में अगर आप लोग याद करेंगे तो। चलिए तो यहां पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्लियर। क्रॉसिंग ओवर होगा कौन सी स्टेज में, पेकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। तो यहां पे जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो क्या क्या ध्यान रखनी है, आपको यहां पे ध्यान रखना है एक तो टेट्राड हमें नजर आएगा, दूसरी कंडीशन हमें यहां पे क्या ध्यान रखनी है, क्रॉसिंग ओवर जो है वो यहां पर होता है, क्लियर। क्रॉसिंग ओवर यहां पर होगा। अब ये जो हम ये बोल रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो कौन से एंजाइम, ये एंजाइम मेडिएट कंडीशन है, तो ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो होता है उस एंजाइम की वजह से ये एक्टिविटी होती है क्योंकि रिकॉम्बिनेशन डेवलप हुआ। मान लीजिए यहां पे आई का कलर क्या था, ब्लैक था, ठीक है, और यही यहां पे जो था वो ब्राउन के लिए था, बाकी सबकी सीक्वेंस जो है वो है ही, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके लिए जीन यहां पे प्रेजेंट है अलग अलग तरह के, ठीक है। अब यहां पे इस पॉइंट पे इन्होंने क्रॉसिंग ओवर कर लिया, तो ये ब्लैक वाला आई वाला जो जीन है वो यहां चला गया, ब्राउन आई वाला यहां पे आ गया। नाउ बाकी तो करेक्टर वही के वही है लेकिन एक नया करेक्टर इसमें नए तरह का जो है वो जो जुड़ गया है वो क्या आ गया, ब्लैक आई। तो यहां पे क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन डेवलप हो गया कि नहीं हो गया, जबकि इसकी एक सिस्टर क्रोमेटिड पे ये क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, इसमें क्या है सेम ही जीन प्रेजेंट है, और ये वाली जो सिस्टर क्रोमेटिड है चूंकि इसमें भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ इसमें भी क्या है सेम ही जीन प्रेजेंट है। तो जिसमें जिस जिन दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर रिकॉम्बिनेशन हुआ है या मतलब कि क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां पे क्या हो जाएंगे, नए तरह के जीन की एक सीक्वेंस मिल जाएगी, तो रिकॉम्बिनेशन डेवलप होता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से, रिकॉम्बिनेज एंजाइम ये काम करवाता है जो कहां होता है, पेकाइटिन स्टेज के अंदर होता है, ठीक है। एक से ज्यादा जगह पर क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है एक ही जगह पे, कई जीन पे अलग अलग जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, ठीक है। फिर आ जाती है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन वो स्टेज है जहां पर हम ये बोलते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू होती है, ठीक है। यहीं पे नहीं लिख देंगे, यहां लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपियर डिप्लोटिन स्टेज के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज कियाज्मा जो है वो हमें दिखता है। कियाज्मा किसको बोलते हैं, एक्स शेप जो स्ट्रक्चर होती है, जब ये जो आपका ये बना हुआ है बाइवेलेंट, ये सिनेप्स जो बना हुआ है, ये जो किया ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है, अगर ये एक दूसरे से सेपरेट डिसोशिएट होना शुरू होगा तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो जहां से ये जुड़े हैं, मान लीजिए ये यहां से जुड़े हैं एक दूसरे से, तो ये मान लीजिए यहां पे एक दूसरे से जुड़े हैं, ये इनकी एक एक सिस्टर क्रोमेटिड और है, ये यहां से जुड़े हैं, ये सेपरेट होना शुरू कर रहे हैं, तो ये एक्स जैसी स्ट्रक्चर यहां नजर आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को,
ये देखिए, ये एक्स जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कियाज्मा बोल रहे हैं। तो हम ये बोलते हैं कि कियाज्मा जो है, एक्स शेप जो स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे हमें दिखना शुरू होती है। किसी किसी के अंदर, जैसे कि ऊसाइड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, इनके अंदर क्या होता है, ये डिप्लोटिन स्टेज के अंदर ही क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं और कई लंबे टाइम तक बने रहते हैं। डिक्टियोटिन बोलते हैं ऐसी स्टेज को, ठीक है, जहां पर वो आगे डिप्लोटिन के आगे बढ़ते नहीं है, सेल डिविजन जो है वो इंटरप्ट हो जाता है कभी कभी, वही वो स्टेज लंबी हो जाती है। तो ऊसाइड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स जो है उनमें ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, उसके सिनेप्स के डिसोल्यूशन की वजह से कियाज्मा जो है वो हमें दिखता है कहां, डिप्लोटिन स्टेज के अंदर। क्लियर रखेंगे आप, ठीक है। डायकाइनेसिस, प्रोफेज का जो एंड होता है ना, वही सब कुछ हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, कियाज्मा टर्मिनलाइजेशन पूरा हो जाता है इसके अंदर, पूरा जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के, जो जहां पे कियाज्मा बना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, जितने भी ऑर्गेनेल है वो ऑर्गेनेल भी डिसअपियर हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वही प्रोसेस है जो कि प्रोफेज के एंड में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं दिखेगी, जितने भी ऑर्गेनल्स है वो ऑर्गेनल्स भी नहीं दिखेंगे, और जो कियाज्मा है वो भी पूरी तरीके से अब क्या हो गया है, अलग हो गया है, टूट गया है, वो स्ट्रक्चर अब हमें नजर नहीं आ रहा है। सिनेप्स जो बना था वो सिनेप्स जो है वो ब्रेक हो गया है, होमोलोगस क्रोमोसोम जहां से जुड़े थे वो क्या हो गए, एक दूसरे से डिसोशिएट हो चुके हैं, ठीक है। तो डायकाइनेसिस के एंड के अंदर आपको वही सारे करेक्टर लिखने हैं जो प्रोफेस माइटोसिस के अंदर, प्रोफेस के अंदर, लेट प्रोफेस में आपने पढ़े थे। चलिए नाउ द नेक्स्ट, अभी देखिए ये वही सारी स्टेजेस है जो बताई है, प्रोफेज फर्स्ट जहां पे आपको जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम है उन्होंने सिनेप्स फॉर्म किया है, पूरा स्ट्रक्चर ही इन्होंने प्रोफेज फर्स्ट के अंदर सारा कुछ ही दिखा दिया एनसीईआरटी ने। तो हमने वो पांचों स्टेजेस को आपको एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया, प्रोफेज फर्स्ट है ये। मेटाफेज फर्स्ट के अंदर फिर क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे सेट होंगे। याद रखिए आपको डायकाइनेसिस के टाइम पे वो चीज भी मेंशन करनी है कि सेंट्रियोल भी डिफरेंट पोल की तरफ जा चुके हैं, एस्ट्रल जो है रेज भी बन चुकी है, स्पिंडल का फॉर्मेशन भी हो चुका है। जो प्रोफेज लेट प्रोफेज के अंदर हम बोलते हैं वही सारी चीजें, माइटोसिस के लेट प्रोफेज में जो बोलते हैं वही सारी चीजें डायकाइनेसिस के अंदर आपको लिखनी है, ठीक है। ये स्पिंडल, ये डिफरेंट पोल की तरफ जाना, ये सारे करेक्टर वही लिखने हैं, ठीक है, वही याद रखने हैं माइंड में। तो ये वो सारी कंडीशन भी हो जाती है, ये डिफरेंट पोल की तरफ आ गए, स्पिंडल जो है वो बन गया है, बट यहाँ पे दो इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे सेट होते हैं, ठीक है। और वही अपने काइनेटोकोर से, ये अपने स्पिंडल से जुड़े होंगे, ये जुड़े हैं। एनाफेज के टाइम पे क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होकर डिफरेंट पोल की तरफ जाएंगे, यानी कि यहां पर सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट नहीं होता, स्प्लिट नहीं होता किसके अंदर, आपके मियोसिस फर्स्ट के अंदर। नाउ टीलोफेज के अंदर आते आते वही सारी चीजें लिखनी है कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनका डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, डिफरेंट पोल की तरफ आ चुके हैं, न्यूक्लियर एनवेलप वापस से रीअपियर हो जाता है, जितने भी ऑर्गेनेल है वो भी रीअपियर हो जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप के आने की वजह से अब आपको नजर क्या आ रही है, दो डॉटर सेल है और उनके अंदर क्या है, अपना अपना न्यूक्लियस है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है, हैप्लॉइड कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट है। मियोसिस फर्स्ट का रिजल्ट क्या हुआ, दो डॉटर प्रोजेनी, हम ये दो डॉटर सेल्स, ठीक है। और ये चार्ट के थ्रू आपके बुक के अंदर जितनी भी फेजेस हैं उन सब के बारे में डिटेल दिया गया है, जैसा आपको चाहिए चार्ट के थ्रू सब चीजें इसमें मेंशन की गई है, आप लोगों को बुक में मिल जाएगी, वो आप लोग मोस्ट वांटेड बुक ले रहे हैं उसी के अंदर है ये। चलिए नाउ द मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड एग्जैक्टली वही है जो माइटोसिस के अंदर होता है, क्योंकि ये इक्वेशनल डिविजन है, रिजल्ट वही होगा, ठीक है। वही देखिए, ये प्रोफेज सेकंड है, प्रोफेज सेकंड में वही कंडेंसेशन जो है क्रोमोसोम का होगा, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियर जितने भी ऑर्गेनेल है वो सभी भी डिसअपियर हो जाएंगे, एंड जो आपके क्रोमोसोम्स हैं शॉर्ट छोटे और मोटे हो जाएंगे। तो प्रोफेज के अंदर वही सब चीजें होती है, मेटाफेज के अंदर, बट यहाँ पे हमने दो बार इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास में दो डॉटर सेल्स थी ना मियोसिस फर्स्ट के रिजल्ट में, तो ये वही दोनों डॉटर सेल्स हैं। फिर मेटाफेज में ये अपने इक्वेटोरियल प्लेट पे सेट हो जाएगी, यहां पर एक ही इक्वेटोरियल प्लेट है, अब सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट होगा, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमेटिड जो है डिफरेंट पोल की तरफ जाएगी, देखो इसमें भी चली गई है और इस सेल में भी चली गई है, ठीक है। और टीलोफेज के अंदर आने के बाद में वही सारी चीजें होंगी, न्यूक्लियर एनवेलप वापस ही आ गया, जितने भी ऑर्गेनेल है वो भी रीअपीयर हो जाएंगे, बट रिजल्ट कितना मिला हमें, चार सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही हैप्लॉइड ही है क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यहां पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुई है तो क्रोमोसोम नंबर उतना का उतना ही है, ठीक है। तो ये हुआ मियोसिस सेकंड, क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए तो मियोसिस सेकंड जो है यही, उसके बारे में आपको सब कुछ दिया गया है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड के बारे में। चलिए
इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस क्या है? इंटरकाइनेसिस एक्चुअल में मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड के बीच में कभी कभी जो इंटरफेज आ जाती है उसको बोला है, लेकिन इस टाइम पे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता, बट हम ये बोलते हैं कि कभी कभी कुछ मतलब इसमें वो सब चीजें नहीं होगी, बट प्रोटीन फॉर्मेशन वगैरह जो है वो सिंथेसिस जो है वो जरूर यहाँ पे होता है, शॉर्ट लिव स्टेज होती है अगर कभी आ भी जाती है तो, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरकाइनेसिस जो फेज जो है वो आ जाती है। उसके बाद में होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के अंदर आप लोग ध्यान रखिए कि साइटोकाइनेसिस में ऐसे हो सकता है कि मियोसिस फर्स्ट में पहले क्या हुई, ये हुई इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस के बाद में आया जाएगा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट का मतलब क्या हुआ कि उसने प्रोफेज फर्स्ट किया, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज इसको परफॉर्म किया, ये सारे फर्स्ट फर्स्ट है, ठीक है फर्स्ट। चलिए ये जब चारों फेजेस कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में या तो इंटरफेज जो है वो आएगी, ठीक है, इंटरफेज अगर आती है तो देन ठीक है, अगर नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है नहीं भी आए, साइटोकाइनेसिस भी यहां पे हो सकता है। अगर याद कर रहे होंगे पोलन ग्रेन्स के बारे में, तो पोलन ग्रेन के अंदर ऐसा ही होता है ना कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है उसके अंदर मियोसिस होता है, जिसकी वजह से चार हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि वो जो माइक्रोस्पोर बन रहे होते हैं तो वहां पे आप पढ़ते हैं माइक्रोस्पोर के लीनियर फॉर्म में बन सकते हैं, या फिर हम बोलते हैं वो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल जो है वैसे फॉर्मेशन उनकी हो सकती है। उसका कंडीशन है कि साइटोकाइनेसिस कैसा हुआ है, साइमल्टेनियस हुआ है, नहीं सक्सेसिव हुआ है, यानी सक्सेसिव का मतलब हुआ मियोसिस फर्स्ट हुआ देन साइटोकाइनेसिस हुआ। ऐसी कंडीशन में सेल दो अपनी अलग अलग हो जाएगी, न्यूक्लियस अलग अलग हो गया, ठीक है। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ इन दैट कंडीशन, सेल के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन तो हुआ बट एक सेल के अंदर क्या अभी साइटोकाइनेसिस नहीं होने की वजह से सेल आपस में सेपरेट नहीं हुई। नाउ मियोसिस सेकंड अगर ये स्टेज करती है तो इसमें पहले चार न्यूक्लियस बनेंगे एंड देन वो क्या करेंगे आपस के अंदर साइटोकाइनेसिस करके इस तरह से सेल बनाएंगे। इस कंडीशन में इन्होंने साइटोकाइनेसिस किया, फिर मियोसिस सेकंड किया, और मियोसिस सेकंड किया तो उसके बाद में न्यूक्लियर एनवेलप इस तरह से बन गया, ठीक है। तो आप क्या देख पाएंगे ये कि साइटोकाइनेसिस साथ साथ में भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, और साइमल्टेनियस एक साथ में भी हो सकता है, डिपेंड किस तरीके से हो रहा है, ये अलग अलग हो सकता है। तो साइटोकाइनेसिस वही एनिमल सेल के अंदर फ्रो मेथड से, प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट मेथड से साइटोकाइनेसिस होगा। मियोसिस होता क्यों है? मियोसिस होता है मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, गैमेट फॉर्मेशन जो होता है वो मियोसिस जो है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होता है। रीजन सिर्फ इतना ही है, रिकॉम्बिनेशन डेवलप हो, वेरिएशन गैमेट्स बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा, तो उसकी वजह से क्या है डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर वाले गैमेट्स बनेंगे, फिर उनका फ्यूजन डिफरेंट तरह के करेक्टर वाले दूसरे गैमेट के साथ में होगा, तो इसकी वजह से नए रिकॉम्बिनेशन जो है वो डेवलप होंगे, जो प्रोजेनीज बनेंगी उनमें नए करेक्टर आएंगे, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन है, ये जो इवोल्यूशन हो रहा है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके लिए मेन रेस्पॉन्सिबल मियोसिस होता है। अब ये मियोसिस जो है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जरूर होगा। कैसे होता है? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होगा, तब तो गैमेटिक मियोसिस कहलाएगा। अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो वो तो क्या करेगा, मियोसिस करेगा गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, गैमेटिक मियोसिस। बट अगर हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो वो गैमेट फॉर्मेशन तो करेगा माइटोसिस के थ्रू, ठीक है, बट उसके पेरेंटल जब उसकी एक और हम बोल रहे पेरेंटल सेल के साथ में वो फ्यूजन करके जब जायगोट बनेगा 2N, ये 2N जायगोट जो बना ये फिर क्या करेगा, मियोसिस करेगा। मियोसिस किया इसने और उसकी वजह से हैप्लॉयड यहाँ पे सेल बनी, और ये हैप्लॉयड सेल फिर क्या बनाएगी आपकी पेरेंटल सेल जो है उसकी तरह से डेवलप हो जाएगी। तो जाइगोटिक मियोसिस भी हो सकता है, ठीक है, बट वो किसके अंदर होगा, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे मियोसिस तो होगा ही होगा, चाहे वो गैमेटिक मियोसिस हो चाहे वो जाइगोटिक मियोसिस हो, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे मियोसिस होता है, ठीक है, डिप्लॉयड सेल में ही होता है, हैप्लॉयड सेल में कांट पॉसिबल। हैप्लॉयड सेल का मतलब ये हो गया कि खुद हैप्लॉयड है कंडीशन, अगर हैप्लॉयड है तो उस कंडीशन में नहीं हो सकता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कि ये पूछ लेते हैं कि एक सेल है, ठीक है, एक सेल है उसमें कितने माइटोसिस किए जाए कि हजार सेल बन जाए, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा एन माइनस वन। हजार है, हजार में से एक घटा दीजिए, इन्हें 999 माइटोसिस करेगी अगर एक सेल, तब क्या होगी, हजार सेल बनेगी। मियोसिस के बारे में पूछा जाए कि एक सेल है उसको हजार सेल बनाना है मियोसिस के थ्रू, तो कितने मियोसिस करने होंगे, ऐसी कंडीशन में आपको करना होगा n बाय 4, यानी जितने नंबर पूछा है सेल के
1000 बाय 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 250। तो 250 मियोसिस अगर करती है एक सेल तो 1000 सेल्स बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसका फॉर्मूला याद रखिए n माइनस 1 और इसका फॉर्मूला याद रखिए n बाय 4। ठीक है, फिर देखिए इसके अलावा माइटोटिक पॉइजन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि माइटोटिक पॉइजन क्या होते हैं। माइटोसिस जो है उस डिवीजन को इंटरप्ट कर लिया जाता है, मस्टर्ड गैस जो होती है उसको रोक देती है या फिर कॉल्चिसिन जो है वो रोक देता है। पर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो इंटरफेज में होती हैं, सेल डिवीजन कर रही होती है, अगर उसको कॉल्चिसिन से ट्रीट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो होगा ये कि अमाउंट ऑफ डीएनए तो जरूर इंक्रीज होगा, है ना, अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज हो जाएगा और हम ये कहते हैं कि जो प्लॉइडी वो जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, लेकिन सेल डिवीजन जो है आगे नहीं होगा क्योंकि वो स्पिंडल फॉर्म नहीं करने देती, स्पिंडल फॉर्म नहीं होता। तो सॉरी, अमाउंट ऑफ जो डीएनए वो इंक्रीज होगा बट स्पिंडल फॉर्म नहीं करने देती कॉल्चिसिन, इस वजह से आगे डिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर अमाउंट जरूर बढ़ेगा बट डिवीजन नहीं होगा। तो कॉल्चिसिन एंड मस्टर्ड गैस जो है वो क्या करती हैं, वो एक्चुअल में माइटोसिस को रोक देती हैं, उनके लिए वो पॉइजन की तरह काम करती है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक चीज और आती है, ए माइटोसिस जो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरियाज हैं ये सभी क्या करते हैं, ए माइटोसिस करते हैं। ए माइटोसिस किसके थ्रू करते हैं, ए माइटोसिस इनके अंदर कुछ नहीं होता कि ये सेल है और ये इनका न्यूक्लियस है, इसमें एक कॉन्ट्रिक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, और कॉन्ट्रिक्शन के इस तरह से क्रिएट होने की वजह से सेम वही न्यूक्लियस में भी कॉन्ट्रिक्शन क्रिएट होगा और दो डॉटर सेल बन जाएगी अनइक्वल साइज के अंदर, कोई इक्वालिटी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रिक्शन की वजह से इस तरह से बढ़ के दो डॉटर सेल्स बन गई है, इसको हम बोलते हैं ए माइटोसिस। क्लियर हो गया आप लोगों को, इसको हम बोलेंगे ए माइटोसिस। चलिए इतना ही है आज के लिए, नाउ द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल। मोस्ट ईजी आप लोग बता सकते हैं, एम से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, जीवन से हो रहा है भाई, और एस से स्टार्ट नहीं होगा एंड जीवन से ये भी हो रहा है, बट जीवन के बाद यहाँ जी टू है देन एस फेज है, बट ऐसा नहीं होता, जीवन प्रिपरेटरी फेज है फॉर द एस फेज। तो जीवन देन एस देन जी टू एंड एम देन ऑप्शन 4, ये हमारा क्या है, राइट है। चलिए तो इसको हम राइट मार्क करेंगे, तो ये है हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन। डीएनए सिंथेसिस कहां होता है, जी टू फेज में, एम फेज में, एस फेज में, जीवन फेज में। तो डीएनए सिंथेसिस सिंथेसिस फेज में होता है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है यहां पर, राइट है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, चलिए द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोजोम बिगिंस। होमोलोगस क्रोमोजोम जो है पेयर्ड है, वो कहाँ उनका सेपरेशन जो है स्टार्ट होता है, तो भाई बताएंगे पेयर्ड का सेपरेशन स्टार्ट कहाँ होता है, डिप्लोटीन के अंदर या फिर पेकाइटीन के अंदर। चलिए आपको आंसर करना है, तो कहाँ स्टार्ट होता है भाई, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनका सेपरेशन बोला है, सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, तो ये स्टार्ट हो जाता है डिप्लोटिन स्टेज के अंदर। क्लियर, चलिए नाउ द नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हमारे फॉलोअप क्वेश्चन। प्लीज स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत अच्छे से मुझे आंसर कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ रह जाती है तो हम उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर ही लेंगे, बट अभी के लिए आपके लिए ये फॉलोअप क्वेश्चन है, फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए Now the next, तो ये हैं आपके आज के फॉलोअप क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आज आपका सेल साइकिल के जितने भी क्वेरीज थी वो क्लियर हो गई होंगी, और नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं वो है जेनेटिक्स। तो प्लीज वीडियोस जो है उनको फॉलो करते रहिए, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।